गाइस गो थ्रू लास्ट लेक्चर नो गाइस इफ यू रिकॉल, एक बार मैंने आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट, दोबारा आप सब बच्चे लिख लो। अगर सिस एल्कीन होगा, एंटी एडिशन होगा, तो तुम्हें थ्रीओ आइसोमर मिलेगा। थ्रीओ आइसोमर, दो बी आर आ रहे हैं। थ्रीओ का मतलब होता है जो चीज आप एडिशन के लिए ला रहे हो वो अपोजिट होंगे फिशर प्रोजेक्शन में। तो जैसे बी आर यहाँ लगा और इस तरफ दिखाई दे रहा है, इसको एंटी नहीं बोलेंगे। एंटी चीज जो होगी वो तुम्हें थ्री डायमेंशनली सोचनी पड़ेगी। इसमें खाली हम इसको ऐसा लिखते हैं, या फिर इसका दूसरा एक है रिप्रेजेंटेशन कार, ये सबको याद रहता है। सिस एल्कीन, एंटी एडिशन, रेसेमिक मिक्सचर, ये आप याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ इसका बदला हुआ क्या होगा, यहाँ पर अगर इसमें करोगे तो सी को टी कर दो, ए तो चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एंटी एडिशन। R के बदले आप M कर दो, मेजो, लेकिन मेजो तब होगा जब ये सिमेट्रिकल होगा, तो ये सिमेट्रिकल है इसीलिए यहाँ मेजो मिल पा रहा है। लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल नहीं होता तो यहाँ पर भी रेसिमिक मिक्सचर मिलता, तो इसीलिए इसको आप चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। टाई यानी कि ट्रांसिल्कीन, एंटी एडिशन, एरिथ्रो,
एरिथ्रो का मतलब है कि दोनों जो बीआर ऐड हुए वो फिशर में एक ही तरफ जुड़े हुए दिखाई देने चाहिए। ये कॉपी कर लो बेटा, लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन। वो हमने जो पहले किए हैं ना, वो एलिमिनेशन वाले हैं। ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखे हैं ये एडिशन पर्पस के लिए वो पॉइंट है। जो हमने पहले किए हुए हैं वो एलिमिनेशन के लिए, ये क्या है, एडिशन के लिए। तो बी केयरफुल जब आप इस्तेमाल कर रहे हो ये थ्री लेटर वर्ड को, ठीक है। तो आप ये चीज क्लियरली लिख देना कि ये जो थ्री लेटर वर्ड यहां पर लिखे हुए हैं ये एडिशन पर्पस के लिए है। कॉपी कर लो ये सब। यस सर। ओके,
लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक नोट लिखाया था और बोला था कि इसमें जो फैक्ट्स मैंने लिखाए थे ना आपको कि ये स्टील स्पेसिफिक है, स्टील सेलेक्टिव है, एंटी एडिशन, बिकॉज ऑफ दैट वी एज्यूम साइक्लिक हेलोनियम आयन नॉन क्लासिकल। अब इमेजिन करो अगर ओपन कार्बोकेटाइन एज्यूम किया होता तो ओपन कार्बोकेटाइन का कैरेक्टर क्या होता है बेटा, वो क्या करता है? एज्यूम ओपन कार्बोकेटायन, दैट मींस क्लासिकल कार्बोकेटायन, देन इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट, बट द फैक्ट फॉर ब्रोमिनेशन is no rearrangement। ये लिख लो बेटा। डन सर। डन सर। इसका प्रोडक्ट लिखिए बेटा। ये केवल डिफरेंस दिखाने के लिए दो रिएक्शंस का। फटाफट आंसर सोचिए। देखिए केवल थियरी आपने नोट्स बना लिए पढ़ लिए उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। जब जैसे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये एडिशन सब जानते हैं, कोई भी कर देगा, बिना पढ़े भी जाएगा वो भी सोचेगा अच्छा एडी तो करना है, तो ऑप्शंस में भी रहता है। बट तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां जहां मिस्टेक्स होती है वो सब पता होना चाहिए।
देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये ओपन कार्बोकेटायन का केस है। ओपन कार्बोकेटायन के केसेस में क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो अपने नोट्स में इस चीज को हाईलाइट करना था। और ये क्या है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का एग्जांपल है। नॉन क्लासिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिखना है साइक्लिक, साइक्लिक हेलोनियम आयन। और साइक्लिक हेलोनियम आयन में हम क्या बोलेंगे, नो रीअरेंजमेंट। अगर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो सीधे सीधे आपको दो बी आर नी डबल बॉन्डेड कार्बन पे जोड़ देना है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीचे नीचे करके लिख दो या ऊपर नीचे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड। वो तो खाली अपने हम लोग उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए कि याद रहे, इसलिए बी आर ऊपर नीचे लिखते हैं, जबकि वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए रोटेशन वहां पर कोई वो फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी लिखो। अब यहां पर जब लिखेंगे तो रीअरेंजमेंट के साथ दिखाना है, तो सबसे पहले तो आपका कार्बोकैटायन यहाँ तक पहुंचना चाहिए। इसका मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, ये मानते हुए कि तुम लोगों ने सही सही सोच लिया होगा आंसर के लिए। यहाँ बी आर लगा दो, CH CH3 CH3। आई होप आपने ये सोच लिया होगा। एक आंसर ये लिख लो बेटा, एक ये लिख लो। I remove this. Yes, sir. Guys, अब एक पॉइंट जो हमने लिखा था कि फैक्ट इज एंटी एडिशन। अगर इमेजिन करो इफ इट इज ओपन कार्बोकैटायन, इफ इट इज ओपन कार्बोकेटायन, तो मान लीजिए कि जो डबल बॉन्ड था ऐसा ये, और आपने इसमें ओपन कार्बोकेटायन बना दिया ऐसा, एक तरफ आपने बीआर लगा दिया और ओपन कार्बोकेटायन बना दिया। तो ओपन कार्बोकेटायन बनने से क्या होगा, यहाँ रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन होने से क्या होगा कि जो बीआर एंटी साइड से आ रहा था वो सिन से भी आ सकता है। तो रोटेशन होने की वजह से सिन प्लस एंटी एडिशन होना चाहिए था, बट द फैक्ट इज ओनली एंटी। इसीलिए, अच्छा इसको प्रूफ कैसे करोगे केवल एंटी है, तो उसके लिए उसने बोला कि आप जो एज्यूम करते हो वो ओपन कार्बोकेटायन एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन कार्बोकेटायन में वो सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम सकता है, यहाँ नहीं रोटेशन अलाउड है। रिंग बन गया, और रिंग के अबाउट रोटेशन, अबाउट रिंग रोटेशन इज नॉट अलाउड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो इसमें वो जो दूसरा बी आर आएगा वो बैक साइड ही अटैक करेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक, ये भी आप हाईलाइट कर लो बेटा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट इनको लिख कर रखना है। अब ऑप्शंस में कैसा लिखा हुआ आ जाएगा, अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट योर आंसर।
Should I remove this? Done, sir. अब यहीं पर इसके कंटिन्यूएशन इसका एक एप्लीकेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन। तो आप लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन इज डन इन द सेम मैनर। इसके लिए जो रिएजेंट है ना वो आप HOCl HOBr ऐसा रिएजेंट आप ले सकते हो। तो जो HOCl होगा उसमें ये जो है नेगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, याद रखना बेटा, गलत नहीं कर देना है। हाँ, क्योंकि जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही इलेक्ट्रोफिलिक साइड होगा। समझ में आया? आप इनके बदले आप ये भी लिख सकते थे Cl2 / H2O, Br2 / H2O, ये सब भी आप लिख सकते हैं। सबका सेम ही आंसर मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल लिख कर दूं, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ HOCl, ऐसा लिख दिया, तो इसका तुम्हें आंसर जो लिखना है ना बिल्कुल जैसा Br2 के लिए लिखते हो वैसे ही लिखना है। केवल आपको करना क्या है कि एक OH लगाना है और एक Cl लगाना, और लेकिन यह एंटी लगाना, ये याद रखना। तो इसी तरह से आप इधर वाले में Cl डाल सकते हो, और या फिर मिरर में जैसी स्टाइल में दिखाना है अगर, तो इसको ऐसा दिखा दो। इसी स्टाइल में भी दिखा सकते, इससे ये पता चलता है कि ये इनेंशियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. यहीं पर इसी के कंटिन्यूएशन में लिख देना NBS बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है जो हम ने पढ़ा था एल्केन में। नॉर्मली NBS is used for, याद करो, allylic benzylic substitution। मतलब अगर ऐसा दिया हो और उसमें तुमने NBS डाल दिया तो ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है और ऐसा बन जाता है।
ये मैं जानबूझकर लिख देता हूँ बार बार, नहीं तो क्या होगा कि आपको एक एप्लीकेशन याद रहा तो दूसरा भूल जाओगे, ठीक है? तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एनबीएस के बारे में भी कुछ लिखने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो हमको ऑलरेडी आता है उसकी नॉलेज है कि नहीं वो लिखना जरूरी है यहाँ पर, तो ये अपने को पता था। अब होता क्या है कि अगर एनबीएस को तुमने पानी के साथ यूज कर लिया, जनरली ऐसा बोला जाता है एनबीएस, और यहाँ लिखा होगा तुम्हें एक्वस डीएमएसओ, तो डीएमएसओ से कोई मतलब नहीं है, एक्वस जो है ना ये वाटर, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एनबीएस बीआर सप्लाई करता है और ये वाटर, तो इमेजिन करो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी एच ओ बी आर जैसी। तो अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले या फिर एक्वस एनबीएस ऐसा करके लिखा हुआ मिले, कुछ नहीं, आपको सिंपल वही स्टाइल करना है जो अभी अभी आपने एच ओ बी आर के साथ किया, उसी स्टाइल से आपको प्रोडक्ट बना देना है। और जैसे मान लीजिए कि मैंने ये आपको ऐसा लिख कर दिया यहाँ डबल वन, तो आपका क्या स्टाइल होगा आंसर लिखने का? यहाँ पर आप बी आर लगा दो, यहाँ ओ एच लगा दो, फिर इसका इनिशियमर ऐसा दिखा दो, यहाँ पर ओ एच दिखा दो और यहाँ पर बी आर दिखा दो, इस तरह का प्रोडक्ट आपको लिखना है। इसको कॉपी कर लो, जो बच्चे भूल गए हैं एनबीएस वो फॉर्मूला वापस लिख सकते हैं, ऐसा दिखता है।
या गाइस, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है 2017 का। तो सब लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे अपने नोट्स में, और फिर जो है इसको आप अटेम्प्ट करिए और आंसर निकालिए। दिखाई दिया सबको क्वेश्चन? ये वन और मोर देन वन वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए और ट्राई टू गेट करेक्ट आंसर। गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश पूरी ऐसी होनी चाहिए बेटा। ये एडवांस 2017 का क्वेश्चन है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखे मेरा आंसर। आप केवल प्रोडक्ट्स बना लो, फिर उनका आपस में कंपैरिजन करो। हिंट याद रखना कि जो इनेंशियो मर्ज होते हैं, मतलब दो कंपाउंड जो एक दूसरे के, आप ऐसा सोचो जो डेक्सट्रो लेवो होते हैं, ऐसा सोचो।
वो मेजो का डायस्टीरियोमर होता है, समझ में आया? तो किसी भी सिस्टम में जो आइसोमर्स होंगे उनमें दो इनेंशियोमर्स होते हैं, बाकी आपस में डायस्टीरियोमर से रिलेटेड होते हैं, ये याद रखना। और मैंने आपको फंडा भी बताया, आपको कार वगैरह का। फटाफट सब लोग सोचो बेटा, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। अभी मैंने आपको बताया कार और टाइम का फंडा, और हिंट केवल इतना है कि जो भी आइसोमर्स होते हैं उन्हें दो केवल आपस में इनेंशियोमर्स होंगे। दो का मतलब कोई भी कंपाउंड किसी एक का इनेंशियोमर होता है, बाकी सबके डायस्टीरियोमर्स के फॉर्म में रहता है। हमने सोच लिया बेटा, डिस्कस कर लें अभी। दिस इज जेई एडवांस्ड 2017 क्वेश्चन, अगर सही हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन का। गाइस क्वेश्चन क्या बोलता है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। जो पहला वाला है कंपाउंड वो एक ट्रांस है, ट्रांसब्यूटुइन है, और उसमें भी ये तो, इसका तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल नोट दिया था, है ना, सॉल्विंग की तो बात ही छोड़ दो। तो ट्रांस दिया है और Br2 ऐड कर रहे हो, तो ट्रांस के साथ क्या होता है बेटा, मेजो मिलता है। तो यहाँ पर अगर वो दो कंपाउंड बोल रहा है तो दोनों एक दूसरे के मेजो हो जाएंगे, सॉरी दोनों मेजो कंपाउंड हो जाएंगे। ये इनेंशियोमर्स आपस में नहीं कहलाते क्योंकि ये आइडेंटिकल मेजो है, आइडेंटिकल मेजो, समझ में आया? और ये M और N है, तो मैं इसको M N लिख दूंगा, आइडेंटिकल है, यानी M और N आपस में आइडेंटिकल होंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है? फिर वो क्या कहता है कि तुम्हारा जो दूसरा वाला है ONP, उसको भी लिख लो बेटा। तो उसके लिए कौन सा फंडा आ जाएगा, कार वाला या स्कैट वाला लगा लो। तो उसमें जो आपको मिलेगा वो आपका रेसिमिक मिक्सचर वाला केस होगा, इनेंशियोमर्स वाला केस होगा।
तो ये इनेंशियोमर्स वाला केस है, इनेंशियोमर्स वाला, समझे ना। तो अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ए ऑप्शन क्या बोलता है कि एम और ओ, एन एंड पी आर टू पेयर्स ऑफ डायस्टीमर्स। मैंने आपको क्या बोला था कि जो एक मेजो होता है वो किसी डेक्स्ट्रो का डायस्टीमर होता है। तो अगर इसको इसके साथ या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ या इसको इसके साथ जोड़ोगे तो ये सब डायस्टीरियोमिक पेयर्स है, डायस्टीरियोमर्स है। इसका मतलब है कि तुम्हारा ए वाला जो आंसर है, अच्छा ये पी एन क्यू नहीं, ओ एन पी लिखा हुआ है ना, तो ये तुम्हारा चाहे एम ओ हो, चाहे एम पी हो, चाहे एन पी हो, चाहे एन ओ हो, ये सारे के सारे क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स। तो ए वाला आंसर सही हो गया। पी वाला देखो लिखा है ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शंस, तो ये आप ऑफ कोर्स हमने तो ऑलरेडी लिखा है कि एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन ट्रांस एडिशन वो सेम मान के चलना है। ये हो गया बी ऑप्शन भी सही। फिर कह रहा ओ और पी आइडेंटिकल है ना, एम और एन आइडेंटिकल है, तो अगर ओ और पी के बदले यहाँ लिख देता एम एंड एन आर आइडेंटिकल तो एक और ऑप्शन सही हो जाता। डी में क्या लिखा है एम ओ एन पी आर टू, ये गलत है, वो तो डायस्टीरियोमर है, एम एन आपस में इनेंशियोमर्स है। तो सोचिए नेक्स्ट टाइम कैसा ऑप्शन आ सकता है ना भाई। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है 17 में, हो सकता है कुछ इसमें हल्का सा अलग करके डिजाइन करेगा, तुमको अभी ऑप्शंस भी लिखने आ गए होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें पॉसिबल है। तो लिख लो बेटा जो भी आपको समझ में आया हो, कोई कंफ्यूजन है तो उसमें पूछ भी लो। सर यस बेटा, सर एक बार बी ऑप्शन वापस बताइए ना। बी ऑप्शन क्या बोलता है कि ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स टू एंड ट्रांस एडिशन, तो एंटी एडिशन को ही वो ट्रांस एडिशन करके लिख रहा है। ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। ओके सर, अभी यही क्वेश्चन मान लो हाइड्रोजनेशन होता तो वो वहां पर लिखता है कि रिएक्शन प्रोसीड्स वाया सिन एडिशन या सिस एडिशन, ऐसे वर्ड्स भी लिख देता। तो सोचो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन मिल जाए। हो गया बेटा, सबने सब कुछ लिख लिया अपनी स्टाइल से जो भी लिखना था। यस सर।
अब इसमें लिखिएगा एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन ऐसी रिएक्शंस हैं और मैं जानबूझकर एक साथ तीनों के लिए बारे में बताऊंगा, बिकॉज एग्जाम में वो ये नहीं बोलेगा कौन सा ये वाटर एडिशन, वो तुम्हें जज करना है। तो इनमें एक को बोलते हैं सिंपल हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वो ऐसा दिया हो सकता है H2O ऑब्लिक H प्लस लिखा होगा, या फिर H2SO4 डाइल्यूट लिखा होगा, या फिर H2O ऑब्लिक H2SO4 लिखा होगा, इस तरह से दे सकता है आपको हाइड्रेशन के लिए। फिर दूसरा एक आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें जो रिएजेंट होता है वो एक्चुअली दो स्टेजेस में वर्क करता है। एक स्टेज में हम लोग लेते हैं CH3COO whole twice Hg THF H2O और दूसरी स्टेज में हम लोग लेते हैं NaBH4, इसमें मर्क्यूरी डाली जाती है, दूसरे स्टेप में मर्क्यूरी निकाली जाती है। फिर आते हैं तीसरा, थर्ड वन इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन याद करो, हाइड्रोबोरेशन पहले भी किया हुआ है, ऑक्सीडेशन इसको हम लोग लिख सकते हैं OMD ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसको लिख सकते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस ये भी दो स्टेजेस का है, पहले स्टेज में आप B2H6 लेते हैं हाइड्रोबोरेशन के लिए, फिर आता है जो दूसरा है वो H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये तीन है। और इनकी खास बात ये है कि इन दोनों में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, जबकि ये रीअरेंजमेंट वाला है, ठीक है। इतना पहले कॉपी कर लो बेटा, वो सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या लिखा है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन OXY, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो पहला हेडिंग डालिएगा बड़ा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन,
H2SO4 के बदले H3PO4 भी ले सकते हैं, याद करो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यही तो होता, इसका उल्टा, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, डाइल्यूट लोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, राइट। उसमें भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट था, इसमें भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, प्रोटोनेशन के थ्रू, कि भाई ये जो H2SO4 है ये अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा। कहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, उस कार्बन पे प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा जिसके बगल वाला कार्बोकैटायन अच्छा दे पाए, ऐसा। ये कार्बोकैटायन हो गया, फिर इसमें रीअरेंजमेंट चेक कर लो, अदरवाइज आप सीधे सीधे इसमें वाटर का अटैक करा दो, इसमें ऐसा ऑक्सोनियम टाइप का बना दो और फिर उसमें से एच प्लस वापस करा दो, हटा दो। मतलब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा ये आपका एल्कोहल बन गया ऐसे बोला, ठीक है। डन सर। डन। ये भी आंसर निकालिए और ये भी आंसर निकालिए, फटाफट। यू कैन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, केमिस्ट्री व्हाट्सएप ग्रुप, क्विक। ये सब बड़े आसान आसान से तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हैं और यही एग्जाम्स में आते रहते हैं।
कर पा रहे हैं। ठीक, पहले क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या आपको बनाना है बेटा, यहां पर आपको कार्बोकैटायन बनाना है, राइट ना? क्योंकि ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, तो ये आपका पहला कार्बोकैटायन ऐसा दिखेगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है टर्शियरी कार्बोकैटायन है इसलिए यही सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन नहीं, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग है और उसके बाहर वाले कार्बन पे प्लस है, तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रिंग एक्सपेंशन का। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, तो आई होप आपसे मिस्टेक ना हो। ये ऐसा यहाँ बॉन्ड लगाने के बजाय आप इसको यहाँ एक्सपेंड कर दिया, प्लस यहाँ आ गया, लेकिन क्या ये बेस्ट कार्बोकैटायन है? तो उसके लिए ड्रॉ करके देखो, ऐसा ये बेस्ट नहीं है। इसमें आपको फर्दर क्या कराना पड़ेगा, मिथाइल शिफ्ट। इस तरह से आपका कार्बोकैटायन जो है वो यहाँ एक बनाया, यहाँ ये प्लस आया, और फिर इसके बाद आप इसमें OH लगा दो उस जगह पर, ठीक है? तो एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा वाला जो है उसमें भी इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे ये, और फिर इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, CH3 यहाँ प्लस कर दिया, और यहाँ प्लस आने के बाद उसमें OH लगा दो, कॉपी कर लो बेटा।
कैंसर। अभी आप लिखेगा हाइड्रोपोरेश, नहीं सॉरी, पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्सीमर्कुलेशन, पहले ऑक्सीमर्कुलेशन। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, लिखिएगा यहां पर दिस रिएक्शन इज दिस रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वॉटर एडिशन ऑफ वॉटर विथ मार्कोनिकोफ रूल। याद है मार्कोनिकोफ रूल? एडिशन ऑफ वॉटर विथ मार्कोनिकोफ रूल, नीचे लिखेगा नो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा द फर्स्ट स्टेप दैट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या इसको असल में द फर्स्ट स्टेज दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, द फर्स्ट स्टेज दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन इन्वॉल्व्स The first stage that is oxymercuration involves addition of OH and CH3COOHG. ये दो चीजें ऐड होती है बेटा, एडिशन ऑफ ओ एच एंड सी एच थ्री सी ओ ओ एच जी, टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स। In the second stage, that is demercuration. In the second stage, that is demercuration. NaBH4, sodium borohydride, NaBH4 removes CH3COHG and replaces it with hydrogen H. Removes CH3COOHG and replaces it with H. लिखेगा why no rearrangement? उसका आंसर लिखेगा in this case intermediate is assumed as cyclic mercurinium ion. ये सब ने बेटा
यस सर, ये जितना भी मैंने आपको लिखाया है इससे लगभग आपका काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आपको प्रोडक्ट्स लिखने में, और मैकेनिज्म आपको करने की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बगैर तुम्हारा काम चलेगा। सो इट इज लाइक कि जो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है उसमें एक्चुअली में जब आप CH3COO होल ट्वाइस HG लेते हो तो ये पहले ब्रेक होता है CH3COO माइनस और CH3COO HG प्लस में। नाउ यू कैन सी दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, और यही है जो इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, और जब वो अटैक करेगा तो यहाँ सी पे प्लस आता है, बट वो इमीडिएट जो है HG ही बॉन्ड बनाता है उस सी प्लस के साथ भी, तो दैट इज स्किप, जैसे आप ब्रोमोनियम में किया था ना वैसा ही आपको बना लेना है, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है आप, ऐसा ओ ओ सी एस थ्री यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ ऐसा, तो ये टाइप का आपका साइक्लिक जो इंटरमीडिएट है उसकी वजह से नो रीअरेंज। फिर इसमें सिंस वाटर प्रेजेंट है वाटर अटैक करता है, तो वाटर जब अटैक करेगा तो इट विल बी लाइक दिस, और फिर इसके बाद ये अल्टीमेटली आपको यहाँ OH दे देगा और यहाँ पर आपको HGOOCH, ये आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। सर वाटर इसमें कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? जहां पर कार्बोकैटायन बन रहा होगा, यानी टर्शरी और प्राइमरी एक हिस्सा है तो टर्शरी पे अटैक होगा, सेकेंडरी और प्राइमरी है तो सेकेंडरी पे अटैक होगा, ऐसा मार्कोनिकोफ रूल लिखा है ना आपने, तो बस सीधे मार्कोनिकोफ रूल लगा देना, उसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं। ये मैकेनिज्म तो मैंने खाली ऐसे देखने के लिए लिखा रहा हूँ, बस आप ऐसा सोचो इसकी कोई जरूरत नहीं है। डन सो, देखिए अब इसका जो सेकेंड स्टेज है एक्चुअली उसकी जो मैकेनिज्म है वो अनसर्टेन है, बट इट इज बिलीव कि जो आपको ये मिला, क्या हमने लिया था, यही लिया था, ये जो आपको मिला ये इंटरमीडिएट, इसमें जब आप NaBH4 डालते हैं तो ये HG को रिप्लेस कर देता है, बस इतना आप लिख लो, और H से रिप्लेस करता है उसको, तो आप देखोगे तो एंड रिजल्ट आपका क्या है, सिंपल है बड़ा, ये दिया हुआ था
समझ लो वाटर गया, और मार्कोनीकोफ रूल, तो मार्कोनीकोफ रूल क्या बोलता है कि अगर तुम्हें वाटर डालना है तो H विल बी गिवन टू, H2O का H कौन सा है, पॉजिटिव पार्ट है, तो H विल बी गिवन टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन विच ऑलरेडी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ H, तो इसी को दे दोगे, और दूसरा नेगेटिव पार्ट दूसरे कार्बन को। समझ में आया बेटा? सीधे सीधे आपको मार्कोनीकोफ रूल लगा देना है और कुछ सोचना ही नहीं। इसको भी कॉपी कर लो। हो गया बेटा? दोनों का आंसर निकालिए बेटा। सर यस सर एक सेकंड, वो सेकंड लास्ट पीस दिखाइए ना प्लीज। ये वाला बेटा, यस सर, डन। गाइस पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने यह आंसर लिख दिया होगा। दूसरे वाले में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मार्कोनीकोफ रूल से आंसर लिखना है, इसलिए OH यहाँ लिखना है और H यहाँ। दोनों आंसर्स कॉपी कर लो बेटा।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो ऑक्सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसका डिस्कशन करेंगे। तीनों रिएक्शंस जो है वो वाटर एडिशन को इंडिकेट करती है, इतना ध्यान रखना है आपको अच्छे ढंग से, ठीक है।